Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and doing well at your homes. Today we are going to learn how to compose a composition. Yani ki aaj hum seekhenge ki kaise ek mazmoon ya jise composition kehte hain English mein essay kaise likhte hain. My dear children, आपसे पहले मैंने प्राइमरी क्लासेस को भी ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि कैसे हम एक मज़मून लिखते हैं लिखेंगे, क्योंकि हमें हमेशा ये चीज़ मुश्किल लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है जब हमसे कहा जाता है कि मज़मून लिखो, ऐसे लिखो, कंपोजिशन लिखो, तो हमें बहुत मुश्किल लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, क्या लिखेंगे, कोई बड़ी सी बात लिखनी है हमें, एक पेज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, तो हम आम तौर पर परेशान हो जाते हैं. इस चीज़ को आसान करने के लिए चलो आज हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक मज़मून लिखते हैं. प्यारे बच्चों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो हमें लगती है कि स्कूल की बिल्डिंग है. हम पहले इस बिल्डिंग को, इस शक्ल को, इमेज को, तस्वीर को, इस तस्वीर को, इस फोटो को हम गौर से देखेंगे कि इस तस्वीर में क्या क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे कि यह एक बिल्डिंग है, तो हमारे जहन में यह बात आ गई कि बिल्डिंग है. हम लिखेंगे साइड में इस तरह से, बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है. फिर हम देखेंगे कि इसकी कितनी स्टोरी है, यानी कि मंजिल, कितनी मंजिल का ये बना है, एक है, दो है, तीन है, लिखेंगे स्टोरी. इसके बाद देखेंगे इसमें रूम्स हैं, तो लिखेंगे रूम्स. इसी तरह से हम देखेंगे इसमें और क्या आएगा, यहाँ पे एक लेबॉरेटरी भी होगी, हम लेबॉरेटरी लिखेंगे. लाइब्रेरी होगी तो हम लाइब्रेरी लिखेंगे. यहाँ पे टीचर्स होते हैं, हम टीचर्स लिखेंगे. यहाँ पे बॉयज़ भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सोचेंगे कि इसको को एजुकेशन बोलते हैं, हम को एजुकेशन लिखेंगे. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस बिल्डिंग के साथ वाबस्ता होंगी, इस बिल्डिंग में हमें नज़र आएंगी. तो हम उन मुश्किल चीज़ों को, उन मुश्किल अल्फाज को, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को साइड में लिख के रखेंगे. इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जब हम कंपोजिशन बनाएंगे तो यही डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें मदद करेंगे, हेल्प करेंगे एक कंपोजिशन बनाने में. अगर पहली बार बनाने में हमसे गलती भी हो जाएगी, नो मैटर, कोई बात नहीं, तो जब हम दूसरी बार बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे, चौथी बार बनाएंगे, तो हम सही करते जाएंगे. एक बार गलती हो जाएगी, दो बार, लेकिन फिर हम सही, कहीं कभी न कभी सही हो जाएंगे, ठीक है. तो चलो हम देखेंगे कि हमने क्या क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें से निकाले हैं. बिल्डिंग, स्टोरी, रूम्स, लेबॉरेटरी, हेडमास्टर, को एजुकेशन, यहाँ पे स्वीपर्स होंगे, कुकर्स होंगे, प्लेग्राउंड होंगे, होगा बच्चों में मैनर्स होते हैं, स्कूल फेमस होता है, नहीं होता है, ये चीज़ हम लिख के रखेंगे. तो माय डियर चिल्ड्रन, लेट अस सी हमने कैसे एक कंपोजिशन बनाया है. हमने इस तरह से बनाया है, स्कूल की बिल्डिंग इमेज को हमने जहन में रख के एक कंपोजिशन बनाया है. पहली बात कि ये मेरा स्कूल है, दिस इज़ माय स्कूल. फिर लिखेंगे या आई रीड इन गवर्नमेंट UPS आरूरा, यानी कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम ये है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ UPS आरूरा. इस तरह से भी लिख सकते हैं. फिर हम लिखेंगे इट इज़ ए बिग स्कूल, हैविंग ए बिग बिल्डिंग, इतना ही लिख सकते हैं. इट हैज़ बिल्ड बिग बिल्डिंग, इट हैज़ टू स्टोरीज, या इट इज़ सिंगल स्टोरी, या इट इज़ मल्टी स्टोरी जो होगा. इट हैज़ टू लेबॉरेटरीज और वन लेबॉरेटरी हम लिख सकते हैं. लाइब्रेरी, जैसे हमने यहाँ पे कंपोज
किया है। अब जरूरी नहीं आप यही लिखोगे, आपको समझाने के लिए मैंने ये कंपोजिशन बनाने की कोशिश की है। यानी कि जब भी कभी हम लिखने जा रहे हों तो हमें चाहिए कि पहले उस चीज़ की इमेज, उस चीज़ की एक इमेज हम जहन में रखें, फिर इसके मुतालिक सोचें कि इस चीज़, इस इमेज में क्या क्या है जो हमें डिफ़िकल्ट लगे वो हम साइड में लिख के रखेंगे। फिर उन्हीं वर्ड से, उन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड से हम एक कंपोजिशन बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से हम एक कंपोजिशन फॉर्म करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोशिश की है लिखने की कि आई रीड इन गवर्नमेंट यूपीएस अलूरा, इट इज़ अ बिग स्कूल हैविंग ए बिग बिल्डिंग, इट हैज़ टू स्टोरीज, इट हैज़ टू लेबोरेटरीज एंड ए लाइब्रेरी रूम, इट हैज़ ए बिग प्ले ग्राउंड, को एजुकेशन इज अलाउड इन माई स्कूल, इट हैज़ 10 टीचर्स, 2 कुकर्स एंड ए स्वीपर, ऑल टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड, माई फेवरेट टीचर इज़ माई हेड मास्टर, आई लर्न टू रीड एंड राइट इन माई स्कूल, आई लर्न गुड मैनर्स देयर, आई लव माई स्कूल, इट इज़ अ फेमस फॉर इट्स गुड रिजल्ट, आई लव माई स्कूल। इस तरह से हमने स्कूल पे एक कंपोजिशन फॉर्म किया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि हम एक कंपोजिशन कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे हम एक कंपोजिशन बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग जहन में रखेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें रूम्स हैं, एक बिल्डिंग है, स्टोरी है, इसमें लेबॉरेटरी होगी, यहाँ पे स्वीपर्स होंगे, यहाँ पे कुकर्स, यहाँ पे टीचर्स होंगे, यहाँ पे एक हेड टीचर भी होगा, यहाँ पे को एजुकेशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड होगा, ये स्कूल डेकोरेटेड भी हो सकता है, ये स्कूल नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम जहन में रखेंगे, एक इमेज हम अपने स्कूल के अपने जहन में फॉर्म करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, जो इस जो जो चीज़ इसमें होगी, तो हम ऐसे वो डिफ़िकल्ट वर्ड साइड में लिख के रखेंगे। फिर इन्हीं वर्ड से हम एक कंपोजिशन फॉर्म करेंगे। इस तरह से हमारा कंपोजिशन बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप घर पे मेहनत कर रहे होंगे। माई डियर चिल्ड्रन, मैं आपको दूसरे वीडियो में और भी कुछ पढ़ाने जा रही हूँ इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप हमारे वीडियो, अपने टीचर्स के वीडियो गौर से देखेंगे और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेज टॉपिक। आई विश यू गुड लक। थैंक यू। अल्लाह।